हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल दी वन किचन इक्विपमेंट में। आज हम आपको बताएंगे हाई स्पीड ड्राई मसाला ग्राइंडर के बारे में। इस ड्राई मसाला ग्राइंडर में हम सभी प्रकार के मसाले आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो सभी मसाले को हम इस ग्राइंडर में ग्राइंड करके दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब हम दालचीनी को ग्राइंड करके दिखाने वाले हैं। मशीन का लीड ओपन करके उसमें दालचीनी को ऐड करना है। इसके बाद फिर वापस लीड को लगा देना है। लीड लगाने के बाद ये दो नोब है उसको टाइट करना है। उसके बाद मशीन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन को ऑन करना है। मशीन स्टार्ट करते ही एक ही मिनट में कोई भी मसाला हम ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये दालचीनी ग्राइंड हो चुकी है और उसका फाइन पाउडर भी बन गया। अभी तक दोस्तों आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए दोस्तों। और अब हम काली मिर्च का पाउडर बनाएंगे। देखो दोस्तों, ये काली मिर्च का पाउडर हो गया है, बहुत ही बढ़िया पाउडर है। और ये लौंग का भी पाउडर हम आपको करके दिखाएंगे। ये लौंग का पाउडर आपके सामने हो गया और ये हल्दी का पाउडर करेंगे। हल्दी बहुत सख्त होती है, फिर भी इसका आसानी से हम ग्राइंड करके पाउडर बना सकते हैं। हल्दी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रश हो गई और उसका पाउडर बन गया है। और अब हम मिर्च का पाउडर बनाएंगे दोस्तों। इस मशीन को ऑपरेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोस्तों सभी मसाले को ग्राइंड करने के लिए एक ही प्रोसेस होती है, इसलिए इस मशीन को कोई भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। देखो, ये मिर्च का बहुत ही बढ़िया फाइन पाउडर बन गया है दोस्तों। और ये मक्की का आटा हम बनाएंगे दोस्तों। इस मशीन में मसाले के साथ साथ हम अनाज का आटा भी बना सकते हैं दोस्तों। तो अब हम गेहूं का भी आटा बनाएंगे। एक ही मिनट के अंदर गेहूं का आटा बन गया। देखो दोस्तों, कितना बढ़िया फाइन आटा बन गया है। उसके बाद हम ये चना की दाल है और हम चना की दाल का भी आटा बनाएंगे। बहुत ही बढ़िया आटा बन गया है चना की दाल का। और चावल का भी आटा आसानी से बन गया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया आटा है ये चावल का। तो दोस्तों, हम मार्बल का भी क्रश करके उसको ग्राइंड करेंगे। देखो दोस्तों, मार्बल भी ग्राइंड हो गया है। बहुत ही बढ़िया मशीन है ये। आपके सामने जो हमने मसाले और आटा बनाया वो सभी आपके सामने है दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।